नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय लोहार। आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज डिक्शनरी में। मैं हीरा लाल, मेरे पापा का नाम पीरा राम। मैं सुल्तानपुरी बीचार 157 में रहता हूँ। मेरे पड़ोस में एक इरफान नाम का लड़का रहता था, वो हमारे घर पे आना जाना करता था और उसने इसी आने जाने में मेरी बहन को फुसला के और उसके साथ शोषण करा और वो मुकेश अहलावत के पास भी लेके जाता था उसको, और मुकेश अहलावत ने भी मेरी बहन के साथ शोषण करा। मैंने जब मेरी बहन ने मुझे बताया तो मैंने ये सारी बात सुल्तानपुरी थाने में आके पहले 100 नंबर कॉल करी और सुल्तानपुरी थाने वालों को बताई। सुल्तानपुरी थाने वाले इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और मुकेश अहलावत के खिलाफ तो बिल्कुल भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब हमारे को इन्होंने परेशान कर रखा है, इसलिए हमने मीडिया सब बुलाई। अभी भी हमारे को भरोसा नहीं हो रहा कि पुलिस हमारे साथ अन्याय करेगी। हाँ, वो यही कहता था कि मेरे पास मुकेश अहलावत की सपोर्ट है, मेरा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। मेरी बहन को उसने 2-4 बार इधर उधर ले जाके, मंगोलपुरी हो गया, इधर इधर ले जाके उसने मारा। जिस फ़ोन पे मेरी बहन को धमकी देता था वो फ़ोन छीन लिया इसने, वो मंगोलपुरी फ़ोन तोड़ दिया। उसके बाद इसने हमारा धमकी मुकेश अहलावत पे देता था और कहता था मेरी थाने के अंदर बहुत अच्छी सेटिंग है, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे और तुम्हारे को पता है कि मेरी थाने में कैसी सेटिंग है। और ये रियल बात थी कि इसकी थाने में अच्छी सेटिंग है और मुकेश अहलावत, इसके घर पर आना जाना है मुकेश अहलावत का, और मुकेश अहलावत के साथ ही इसका बहुत अच्छा लिंक है, ये मुकेश अहलावत के साथ हमेशा रहता है। इस घटना में मुकेश अहलावत भी साथ है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और हमारे को अन्याय मिलना चाहिए। आपके जो बहन थी, हमारी बहन थी, उसको ब्लैकमेल करते थे। हाँ, ब्लैकमेल उसको यूँ करते थे, कहते थे तुझे मारेंगे, हैं तेरे भाई को मारेंगे, तेरे भाई को बंद करवा देंगे और नहीं तो तू हमारे पास आ। धमकी, हाँ, पिस्टल दिखा के धमकी देते थे वीडियो कॉल पे। ये पिस्टल दिखा के धमकी देता था। इरफान पूरी दिल्ली का टॉप का पिस्टल बेचने का तस्कर है, इसके मैं सबूत दे सकता हूँ दिल्ली पुलिस को। अगर दिल्ली पुलिस मेरे से जांच में इसके बारे में पूछे तो मैं पूरा सहयोग करूँगा दिल्ली पुलिस का। ये खुली पिस्टलें बेचता है, अपनी मौसी के घर से लाता है, फिरोजाबाद से मौसी का लड़का इसको देता है और वहाँ से ला के ये 40-40 हज़ार रुपये में, 30-30 हज़ार में बहुत पिस्टलें बेचता है। जब मुकेश अहलावत के ये इलेक्शन हुए थे, जब भी इसने 8 हथियार मंगा के मुकेश अहलावत को हर चीज़ से सपोर्ट करी थी इसने, मुकेश अहलावत इसको पूरी सपोर्ट करता और मुकेश अहलावत को ही है। इस घटना की जानकारी आपको कब लगी? मेरे को रक्षाबंधन वाले दिन मेरी सिस्टर ने बताया, मेरी सिस्टर रोने लगी तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात हो गई, तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि भाई पहले तुम मेरी कसम खाओ कि तुम लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। तो मैंने जब अपनी बहन पे मैंने हाथ रख के कसम खाई तो उसने फिर मुझे सारी कहानी बताई रोते रोते के, ऐसे ऐसे मेरे साथ ये 8-9 साल से मेरे साथ ही ऐसे ऐसे दुष्कर्म करता हुआ आ रहा है। पुलिस ने कोई FIR लिखी अभी तक? पुलिस ने FIR कह रहे हैं हमने लिखी है, पर वो हमारे को सुबह 8 बजे से अभी तक कोई FIR नहीं मिली है, ये हमको खाली गुमराह कर रहे हैं। FIR में क्या क्या मतलब किन किन दोषियों के नाम? हमने FIR में मुकेश अहलावत जो हमारे यहाँ का सांसद है, MLA विधायक और क्या नाम है एक शकील इरफान, इन दोनों के खिलाफ हमने FIR करवाई है और हमको पुलिस से और कुछ नहीं चाहिए, हमारे को इंसाफ चाहिए बस। FIR की कॉपी आपको मिली? अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। अब देख लो ये 11 बजने आ रहे हैं, अभी तक दिल्ली पुलिस ने हमारे को कुछ नहीं दिया। हम सुबह 8 बजे से यहाँ बैठे हैं, रात को 3 बजे से हम थाने के अंदर ही हैं, रात को 3 बजे से हम अपने घर पर भी नहीं गए। हमारे को रात को 3 बजे हमारी बहन के बयान लेके इन्होंने कहा तुम घर जाओ, हम सुबह 8 बजे तुम्हारे को बुलाएंगे। जब सुबह 10 बज गए इन्होंने हमारे को नहीं बुलाया, हमने इनको कॉल करी, ये हमारी कोई नहीं सुन रहे थे। फिर हमने मीडिया को, आर्मी को, इनको सबको बुलाया। मुकेश अहलावत के बारे में मुझे अब भी कम से कम 100 फ़ोन आ रहे हैं कि तू उसका नाम मत लिखवा, जब वो था तो हम उसका नाम जायज़ लिखवा रहे हैं, हम उसका नाम झूठा नहीं लिखवा रहे हैं। अगर हम झूठा लिखवा रहे हैं तो इसकी भी जाँच हो, ठीक है ना, इसकी भी पूरी जाँच हो और मुकेश अहलावत के खिलाफ और इरफान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमको पुलिस से बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा क्योंकि हम रात से 3 बजे से बैठे हैं, हमारे को हर आधे घंटे में ये कहा जाता है कि तुम्हारे को FIR की कॉपी दे रहे हैं, पर हमको अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, आप पीड़िता के कौन है? मैं पीड़िता का भाई हूँ बड़ा। अच्छा, सगा ने विधायक का खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की अभी तक? SHO साहब कह रहे हैं MLA साहब के खिलाफ मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, आप जहाँ जाना है चले जाओ।